हाँ चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे नाउन एंड इट्स टाइप पर। आज लेक्चर नंबर 3 होगा। तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कलेक्टिव नाउन पर, तो आज हम लोग कलेक्टिव नाउन पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखेंगे कलेक्टिव नाउन क्या है और कितनी शब्दावलियाँ महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जा चुकी हैं। तो कलेक्टिव नाउन आज मैं इस लेक्चर में कलेक्टिव नाउन पूरा आपको पढ़ाऊंगा। और कलेक्टिव नाउन तो बहुत आसान है, लेकिन इसके कुछ शब्दावली अगर परिचय करा दूंगा तो एग्जाम में बैठने पर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आज कलेक्टिव नाउन क्या है डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। इसके बाद कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं उन शब्दों से परिचय करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करिए और अपने ग्रुप में सभी लोग शेयर कर दीजिए, और जितने पुराने बच्चे हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करिए। तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कलेक्टिव नाउन्स पर कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, और इमेज के माध्यम से पिक्चर दिखा करके आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास किया था कि कलेक्टिव नाउन्स क्या है। तो आज हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कलेक्टिव नाउन्स क्या है, और इसके बाद डेफिनेशन के बाद कलेक्टिव नाउन के जो शब्द हैं किस समूह को दिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग इंग्लिश में होता है उन शब्दों पर चर्चा करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जितने शब्द आए हैं उनको भी मैं उदाहरण में ही इंक्लूड करूंगा, जिससे आप लोगों को अलग से याद ना करना पड़े। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कलेक्टिव नाउन्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में कलेक्टिव नाउन्स पर कुछ उदाहरण हम लोग लिख चुके हैं, देख चुके हैं, तो आज हम लोग कलेक्टिव नाउन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। कलेक्टिव नाउन, देखिए अगर बात किया जाए कलेक्टिव नाउन पर, तो कलेक्टिव नाउन के विषय में कहा जाता है कि अ कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। जनरली जो बच्चे बहुत कम शब्दों में कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन याद करना चाहते हैं वो सिर्फ इतना जान ले कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। वैसे थोड़ा सा डिस्क्राइब जानना चाहते हैं, फुल डेफिनेशन जानना चाहते हैं जो कलेक्टिव नाउन को संपूर्ण रूप से डिफाइन करता है, तो पूरी परिभाषा है अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप को हम कह सकते हैं, कलेक्शन भी कहा जा सकता है, इज द नेम ऑफ अ ग्रुप आर कलेक्शन। और किसका समूह होता है, आर पर्संस आर थिंग्स taken together and spoken of as one whole। ये पूरी डेफिनेशन है कलेक्टिव नाउन्स की। तो एक बार चले दोबारा देखते हैं एक डेफिनेशन क्या बता रही है। देखिए लिखा हुआ है कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। अगर मान लीजिए कि आप बहुत कम जाना चाहते हैं कलेक्टिव नाउन पर, तो इतना तो याद जानना ही चाहिए, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप। इसका मतलब हुआ कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम, मतलब एक नाम है ऑफ ए ग्रुप, मतलब एक समूह का। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन एक समूह का नाम है। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस शब्द से समूह का बोध हो रहा है, तो वह समूह का बोध कराने वाला जो नाम होगा उस नाम को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो डेफिनेशन ये बता रही है कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप, कलेक्टिव नाउन एक समूह का नाम है। इसका मतलब यह हुआ कि
कोई भी ऐसा शब्द जिससे एक समूह का बोध हो, तो एक समूह का बोध कराने वाला जो नाम होगा उस नाम को हम किसके अंतर्गत लाएंगे, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। लेकिन ये समूह किसका हो सकता है, आप पर्संस व्यक्तियों का हो सकता है या आर थिंग्स अथवा वस्तुओं का हो सकता है, और टेकन टूगेदर जिसे एक साथ लिया हुआ, अर्थात कि जब एक साथ समूह में रहते हैं एंड स्पोकन आप एज वन होल और एक होल संपूर्ण के रूप में जब बात की जाती है, तब उसे हम उस नाम को क्या देते हैं, कलेक्टिव नाउन। इसका कहने का संपूर्ण मतलब ये हुआ, चलिए उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि अधिक से अधिक बच्चे, आपके जितने भी समूह के बच्चे हैं उनको जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग क्लास में ज़्यादातर बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब कि अभी जान नहीं पा रहे हैं कि उनके जो पुराने फ्रेंड हैं उनके माध्यम से भी नहीं पता उनको चल पा रहा है कि जैसे इंग्लिश की क्लास चल रही है। तो आप लोग भी अपने पुराने मित्रों को इन्फॉर्म करिए और बताइए कि इंग्लिश की क्लास के विषय में, जिससे सभी लोग अधिक से अधिक जुड़ सकें। तो अभी तक चेक करते हैं कि कितने बच्चे जुड़े हैं। तो देखिए, ये जो कलेक्टिव नाउन है, पिछले क्लास में हम लोग कलेक्टिव नाउन का उदाहरण देखे भी थे, लेकिन चलिए एक बार दोबारा देखते हैं ये परिभाषा का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट कहीं पर, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा स्थान है जहां पर केवल एक विद्यार्थी, वन स्टूडेंट, अगर कोई ऐसा स्थान जहां पर केवल एक विद्यार्थी है, तो एक विद्यार्थी को हम क्या नाम देंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्थान जहां पर केवल एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, तो एक केवल विद्यार्थी को हम क्या नाम देंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अर्थात नाउन में क्या हम कहेंगे, एक कॉमन नाउन, क्योंकि विद्यार्थी कहने पर एक वर्ग का बोध हो रहा है। तो केवल स्टूडेंट कहीं पर लिखा गया हो तो एक कॉमन नाउन होता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा स्थान हो जहां पर एक से ज्यादा स्टूडेंट्स इकट्ठा हो, कई स्टूडेंट, एक ऐसा स्थान जहां पे कई स्टूडेंट एक साथ हो, तो यहां पे देखिए केवल स्टूडेंट, केवल विद्यार्थी, कहने का सच हुआ कि केवल विद्यार्थियों का समूह है। तो जब कोई ऐसा समूह हो जहां पर एक प्रकार के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, जैसे मान लीजिए केवल विद्यार्थियों का समूह है, तो उसको एक शब्द में हमें बताना हो तो हम क्या बताएंगे, क्लास। तो क्लास से किस चीज का बोध हो रहा है, केवल विद्यार्थियों का एक समूह। कहने का मतलब यह हुआ कि जब एक ही प्रकार का कॉमन नाउन जब एक जगह इकट्ठा होता, अर्थात कि एक से ज्यादा इकट्ठा होते हैं, और उनको जब हम एक समूह के रूप में मानते हैं, जैसे मान लीजिए विद्यार्थी कहे, तो विद्यार्थी कहने पर किसका बोध हो रहा है, कॉमन नाउन का बोध हो रहा है। लेकिन कोई ऐसा स्थान जहां पर एक से अधिक विद्यार्थी एक जगह इकट्ठा हो, और तब विद्यार्थियों के एक समूह को कहने, मतलब कि एक ही समूह के रूप में विद्यार्थी एक जगह इकट्ठा हुए हैं, तो ऐसे समूह को हम क्या नाम देते हैं, क्लास। तो परिभाषा ये बता रही है, जैसे मान लीजिए केवल अगर हम कह दिए अंगूर, ग्रेप, केवल अंगूर कहने पर जैसे हम कह दिए ग्रेप, सिर्फ अंगूर यहां पे है, तो अंगूर कहने पर एक कलेक्टिव नाउन नहीं होता है। अब मान लीजिए कि अंगूर के छोटे छोटे दाने जब एक समूह के रूप में उन्हें रखते हैं, तो इसको क्या नाम हम देते हैं, बंच। बंच मतलब गुच्छा, जब एक गुच्छे में होते हैं तो इनको हम क्या नाम देते हैं, बंच। तो ये जो अंगूर के दानों का जो समूह होता है, इसको हम नाम देते हैं बंच। और
तो बंज क्या हुआ? बंज क्या हुआ? एक से अधिक अंगूर का समूह, अंगूर के दाने का समूह। तो कुल मिलाकर के जब एक ही प्रकार की चीजें एक से ज्यादा इकट्ठा होती हैं, जब एक ही प्रकार की चीजें एक से ज्यादा इकट्ठा होती हैं, तो जो शब्द समूह दिखाता है उस शब्द को हम नाम देते हैं कलेक्टिव नाउन। तो चलिए सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि कितने प्रकार के शब्द हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। देखिए, नंबर वन, अ ग्रुप ऑफ जजेज। जैसे मान लीजिए जज, जज कहने पर कॉमन नाउन होता है न्यायाधीश, लेकिन कोई ऐसा स्थान जहां पर एक से अधिक न्यायाधीश एक जगह इकट्ठा हो, अ ग्रुप ऑफ जजेज मतलब न्यायाधीशों का एक समूह, कोई ऐसा स्थान जहां पर एक से ज्यादा न्यायाधीश एक जगह इकट्ठा हो, तो एक से अधिक न्यायाधीशों के समूह को अगर आपको एक शब्द में बताना है, एक से अधिक न्यायाधीशों के समूह को अगर एक शब्द में बताना है, तो एक शब्द में हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? जूरी, JURY। तो जूरी से क्या मतलब है? न्यायाधीशों का एक समूह। तो यहां पे जूरी क्या दिखाया? न्यायाधीशों के समूह को। तो यहां पर जूरी क्या है, अगर पूछ लिया जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से जूरी क्या है, तो ये नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन। नंबर टू, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं? क्लास। कहने का मतलब यह हुआ कि क्लास से क्या तात्पर्य है? केवल विद्यार्थियों का समूह। नंबर थ्री, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स मतलब सैनिकों का समूह, केवल सैनिकों का समूह। कहने मतलब कि ऐसा समूह जिसमें केवल सैनिक हो, तो केवल सैनिक के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं? आर्मी। नंबर थ्री, अ ग्रुप ऑफ बेबीज या अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, विमेन, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स विमेन मतलब गर्ल्स या विमेन का समूह। कहने का मतलब कि ऐसा समूह जिसमें केवल लड़कियां हो या ऐसा समूह जिसमें केवल औरतें हो, तो केवल लड़कियों या औरतों के समूह को एक शब्द में आपको बताना हो, तो एक शब्द में किस शब्द का प्रयोग हम करते हैं? देवी। तो एक बार दोबारा देखिए, तो अभी तक हम लोग चार शब्दों पर चर्चा किए कलेक्टिव नाउन पर। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अगर आप देखिए थोड़ा सा समझ के पढ़ने का प्रयास करिए, तो जब ये जो कॉमन नाउन होता है, एक ही प्रकार का कॉमन नाउन जब एक जगह एक से अधिक इकट्ठा होते हैं और एक समूह के रूप में जब हम उनको देखते हैं, तो जो शब्द एक प्रकार की चीजों के समूह को दिखाता है उस शब्द को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर एक ऐसा स्थान जिसमें एक से ज्यादा जज इकट्ठा हो, तो एक से ज्यादा न्यायाधीशों के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं? जूरी। तो जूरी आपका क्या दिखाया? न्यायाधीशों का समूह। तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। इसके बाद देखिए नंबर टू, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक जगह एक से अधिक विद्यार्थी इकट्ठा होते हैं, तो जो शब्द विद्यार्थियों के समूह को दिखाता है वह शब्द होता है कलेक्टिव नाउन। तो विद्यार्थियों के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं? क्लास। नंबर थ्री, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का एक समूह। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा समूह है जिसमें केवल सैनिक हैं, सैनिक के अलावा कोई दूसरा उस समूह में नहीं है, तो केवल सैनिकों के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं? आर्मी।
नंबर फोर अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स विमेन, कोई ऐसा समूह जिसमें केवल लड़कियां हो या ऐसा समूह जिसमें केवल औरतें हो, औरतों या लड़कियों का एक समूह, कहने मतलब कि एक ऐसा समूह है जिसमें केवल औरतें हैं या लड़कियां हैं, तो ऐसे समूह को एक शब्द में हम क्या नाम देते हैं, बेबी। इसके बाद देखिए नंबर फाइव, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाजों का एक समूह, ऐसा समूह जिसमें केवल जहाज, एक ऐसा समूह जिसमें केवल जहाज है, जहाज के अलावा कोई दूसरा उस समूह में नहीं है, तो केवल जहाज के समूह को एक शब्द में आपको बताना है तो आप क्या बताएंगे, जहाज के समूह को एक शब्द में कहते हैं अंग्रेजी में फ्लीट। सिर्फ जहाज के समूह को एक शब्द में क्या नाम दिया जाता है, फ्लीट। नंबर सिक्स, अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, सेलर्स मतलब होता मल्लाह नाविक, एक ऐसा समूह जिसमें केवल मल्लाह हो, नाविक हो, अर्थात कि कोई ऐसा स्थान जिस जहां पर केवल मल्लाहों का एक समूह हो, केवल नाविकों का एक समूह हो, तो केवल मल्लाहों के समूह को एक शब्द में क्या नाम दिया जाता है, क्रू, सी आर ई डब्ल्यू। देखिए नंबर सेवन, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का एक समूह, ऐसा समूह जिसमें केवल खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी के अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो केवल खिलाड़ियों के समूह को एक शब्द में आपको बताना है तो एक शब्द में हम क्या कहते हैं, टीम। तो देखिए अभी तक हम लोग सात शब्दों पर चर्चा किए, नंबर फाइव अ ग्रुप ऑफ शिप, जहाजों का एक समूह, ऐसा समूह जिसमें केवल जहाज है, जहाज के अलावा कोई दूसरा उस समूह में नहीं है, तो केवल जहाज के समूह को हम क्या नाम देते हैं, फ्लीट। और नंबर सिक्स, अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, ऐसा समूह जिसमें केवल नाविक हैं, मल्लाह हैं, तो केवल नौका चलाने वाले या मल्लाहों के समूह को एक शब्द में क्या कहा जाता है, क्रू। नंबर सेवन, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा समूह जिसमें केवल खिलाड़ी हैं उस समूह में, खिलाड़ियों के अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो ऐसे समूह को हम क्या नाम देते हैं, टीम। तो अभी तक सात उदाहरण जो मैं आप लोगों के सामने रखा हूं, इस सात उदाहरण से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम कह दिए टीम, टीम से किस शब्द का बोध होता है, खिलाड़ियों का समूह, खिलाड़ियों के समूह से मतलब है कि कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि जब एक ही प्रकार की चीजें एक से अधिक एक जगह पर इकट्ठा होती हैं, तो जो शब्द एक प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को दिखाता है उस शब्द को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो देखिए अभी तक आदित्य यादव जी जुड़ गए हैं, इसके बाद कमलेश प्रजापति, चलिए तीसरे दिन भी लगातार जुड़े, और आप लोग प्रयास करिए, अभी हमें लगता है कि पुराने बच्चे अभी तक नहीं जान पा रहे हैं, तो आप लोग अपने ग्रुप में भी शेयर करिए और पुराने बच्चों को बताइए अधिक से अधिक। इसीलिए अभी बहुत स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बाद में प्रॉब्लम ना हो, जब क्योंकि अब बहुत दिनों के बाद, लगभग 5-6 महीने के बाद इंग्लिश की क्लास चल रही है, तो इस कारण से आप लोग भी इन्फॉर्म करिए, पुराने बच्चों को सूचित करिए। आज देखिए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन पर, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अगर मान लीजिए बहुत कम शब्द में आप समझना चाहते हैं कलेक्टिव नाउन को, तो सीधे आप जान लीजिए कि कोई भी ऐसा शब्द जिस शब्द से समूह का बोध हो, कोई भी ऐसा शब्द जिस शब्द से समूह का बोध हो उस शब्द को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। देखिए अब आगे देखते हैं, नंबर एट, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का समूह, ऐसा समूह जिसमें केवल पक्षी हो, पक्षी के अलावा कोई दूसरा उस समूह में ना हो, तो केवल
पक्षी के समूह को एक शब्द में आपको बताना। जैसे मान लीजिए आकाश में कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि एक समूह में केवल पक्षी एक ही रंग के एक समूह में पक्षी उड़ते हैं, तो ऐसा समूह जिसमें केवल पक्षी हो, पक्षी के अलावा कोई दूसरा उस समूह में ना हो, तो केवल पक्षी के समूह को एक शब्द में क्या नाम देते हैं? फ्लॉक, FLOCK। तो पक्षियों के समूह को एक शब्द में हम क्या नाम देते हैं? फ्लॉक। इसके बाद देखिए नंबर 9, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, ऐसा समूह जिसमें केवल नृतक लोग हों, अर्थात कि जो लोग डांस करते हैं, एक ऐसा समूह जिसमें डांस करने वाले लोग हों, केवल एक छोटा सा ऐसा समूह जिसमें केवल डांस करने वाले हों, तो डांस करने वाले लोगों के व्यक्तियों के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो डांस करने वाले व्यक्तियों के समूह को एक शब्द में कहते हैं अंग्रेजी में ट्रूप, TROUPE। तो डांस करने वाले व्यक्ति के समूह को एक शब्द में क्या नाम देते हैं? ट्रूप। तो देखिए अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, केवल नृतकों के समूह को जो डांस करते हैं, अगर कोई ऐसा समूह जिसमें केवल डांस करने वाले इकट्ठा हैं, तो नृतकों के समूह को एक शब्द में क्या नाम दिया जाता है? ट्रूप। अब देखिए नंबर 10, अगर कह दिया जाए अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, नंबर 10 अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, केवल गायकों का समूह, नंबर 10 अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, केवल गायकों का समूह, एक ऐसा समूह जिसमें केवल गायक हैं, गायक के अलावा कोई दूसरा उस समूह में नहीं है, तो ऐसे समूह को क्या नाम हम देते हैं? केवल गायकों के समूह को एक शब्द में कहते हैं अंग्रेजी में कॉयर, COIR। तो देखिए इस समय जुड़ चुके हैं रजनी, रजनी तिवारी सर, हम लोग एक पर अच्छा कमेंट किए थे, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद सीमा उपाध्याय जी भी जुड़ चुकी हैं, इसके बाद प्रखर क्लासेज, वेरी नाइस लेक्चर सर, थैंक्स आप सभी लोगों को। देखिए आप सभी लोगों का कमेंट देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें वही समझ सकते हैं जो वास्तव में जिनको लाइफ में कुछ करना या पढ़ना है। बाकी मैं अनावश्यक बातें हमें नहीं पसंद लगता है, या अनावश्यक डिस्कशन हमें नहीं पसंद है, इसलिए अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आप लोग भी सीरियस होकर तैयारी करिए, क्योंकि मैं लगातार एग्जाम दे रहा हूँ और मुझे मालूम है कि अगर आप कोई चीज़ जितना प्रैक्टिस करेंगे उसका फायदा मिलता है, और शिक्षा में अगर आगे बढ़ना है तो प्रैक्टिस अधिक से अधिक करिए। मैं एक एक टॉपिक पर अधिक से अधिक उदाहरण क्यों देता हूँ? क्योंकि मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊं इतना उदाहरण दे दूं कि सेम एग्जाम में आ जाए, इसलिए मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूं कि आया हुआ क्वेश्चन भी अपने लेक्चर में शामिल करता हूं। देखिए तो आपके एग्जाम में क्या होता है कि कोई शब्द दे देता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में दे दिया रख दिया फ्लॉक या FLOCK, जैसे एग्जाम में ऐसे फ्लॉक रख देता है और पूछता है फ्लॉक क्या है, मान लीजिए नाउन में लिख दिया, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटीरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब जो बच्चे डिस्कस करके समझ कर नहीं पढ़े रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती, बाद में वो सोचते हैं कि अंग्रेजी बहुत कठिन विषय है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर आप समझ कर रेगुलरिटी के साथ रेगुलर अगर प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अंग्रेजी केवल अभ्यास मांगती है, रेगुलर धीरे धीरे अधिक से अधिक क्वेश्चन आप हल करते रहिए, इसके बाद देखिए आप एग्जाम में बैठेंगे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आपको दिखेगा जो नया दिखेगा। जरूरत होती है रेगुलरिटी की। जैसे मान लीजिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि जो शब्द समूह दिखाए, समूह में प्रायः एक प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को दिखाता है, जैसे लिखा हुआ कि अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का समूह, इसका मतलब हुआ कि ऐसा समूह जिसमें पक्षी हो, तो सिर्फ पक्षी के समूह को हम क्या नाम देते हैं? फ्लॉक। तो फ्लॉक अगर कहीं सामने आपको लिखा हो, कहीं पे आ जाए फ्लॉक शब्द लिखा, तो तुरंत समझ जाइएगा कलेक्टिव नाउन है, ये पक्षियों के समूह को दिखा रहा। इसके बाद
ग्रुप ऑफ डांसर्स, नृतकों का समूह, अर्थात कि एक ऐसा समूह जिसमें केवल नाचने वाले लोग हैं। जब एक से अधिक नाचने वाले लोग कहीं पर इकट्ठा होते हैं, मान लीजिए कि कहीं पर एक से अधिक डांसर इकट्ठा है, तो आपको एक शब्द में बताना है कि नृतकों के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? ट्रूप। इसके बाद देखिए, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ऐसा समूह जिसमें केवल गायक हैं, एक जगह केवल गाना गाने वाले लोग हैं, तो गाना गाने वाले लोगों को क्या एक शब्द में कहते हैं? कॉयर। ये देखिए आर है, अभी कुछ बच्चे हमारा लिखा भी अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा हर अक्षर को दिखाया जाए। तो सी एच ओ आई आर, तो यहां पर कॉयर लिखा हुआ है, सी एच ओ आई आर। तो गाना गाने वाले लोग अगर एक जगह इकट्ठा हैं, तो केवल गायकों के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं? कॉयर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक 10 महत्वपूर्ण शब्दों से मैं परिचय कराया, और हमारे वीडियो को आप लोग कोशिश किया करिए, जानते पढ़ाई में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को धीरे धीरे अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई चीज जब हम पहली बार पढ़ते हैं, तो पहली बार पढ़ने पर एकदम धीरे धीरे समझ कर पढ़ना चाहिए। दूसरी बार पढ़ने पर क्या होता है कि चीजें क्लियर जब रहेंगी तो आप उसे रिवाइज करेंगे तो उससे कम टाइम लगेगा, और जब तीसरी बार आप पढ़ेंगे तो तीसरी बार तो आपको ये मालूम है कि कहाँ क्या लिखा है, हर चीज मालूम होता है, और तीसरी बार पढ़ने पर एकदम पूरी तरह से दिमाग में सेट हो जा रहा है, और तीसरी बार पढ़ने पर लगभग आपको याद हो जाता है। तो अलग से रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी स्पीड बनेगी और दिमाग में अस्थायी रूप से बैठता चला जाता है। तो कुल मिलाकर के पढ़ाई के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो कोई भी वीडियो कम से कम आपको एक से दो बार, मिनिमम दो बार तो जरूर देखना चाहिए, दो से अधिक बार जितना आप देखेंगे उतना ज्यादा आपकी स्पीड बनती है। तो चलिए और शब्दों से परिचय कराते हैं कलेक्टिव नाउन के। देखिए नंबर 11, अ ग्रुप ऑफ हॉर्सेज, अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ हॉर्सेज। देखिए, या पौनी, घोड़े के बच्चे को पौनी कहा जाता है अंग्रेजी में, पी ओ एन आई एस। देखिए पौनीज, देखिए तो ऐसा समूह सिर्फ घोड़ा ही जानेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में हॉर्सेस करके आ चुका है। देखिए तो अ ग्रुप ऑफ हॉर्सेस, घोड़े का समूह, ऐसा समूह जिसमें केवल घोड़े हो, घोड़े के अलावा कोई दूसरा उस समूह में ना हो, तो केवल घोड़े के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं? स्टड, एस टी यू डी। तो अ ग्रुप ऑफ हॉर्सेस, घोड़े का समूह, घोड़े के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं? स्टड। कहने मतलब ऐसा समूह जिसमें केवल घोड़े हो, तो घोड़े के समूह को एक शब्द में हम क्या नाम देते हैं? स्टड। देखिए नंबर 2, अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ पार्ट्रीज, अ ग्रुप ऑफ पार्ट्रीज। पार्ट्रीज मतलब क्या होता है? तीतर। पार्ट्रीज को हिंदी में क्या कहते हैं? तीतर। तो अ ग्रुप ऑफ पार्ट्रीज, तीतर, यहां पे यस जोड़ दीजिएगा एक से अधिक, तो अ ग्रुप ऑफ पार्ट्रीज, तीतरों का समूह, एक ऐसा समूह जिसमें एक से अधिक तीतर हो, तो केवल तीतरों के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं? केवल तीतर के समूह को एक शब्द में अंग्रेजी में क्या नाम देते हैं? कवरी। तो कहीं पर अंग्रेजी में अगर कवरी शब्द लिखा हो, तो कवरी से आप तुरंत समझ जाइएगा कि कवरी क्या दिखा रहा है? एक से अधिक तीतरों के समूह को। स्टड क्या दिखा रहा है? एक से अधिक घोड़े के समूह को। तो 15, कम से कम 15 से 20 शब्द लिखाने के बाद तब आप लोगों का कमेंट देखते हैं कि कुछ समझ में आया कि नहीं। वैसे हमारे क्लास में आप लोग खुल के कमेंट कर सकते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम होगी आप खुल के कमेंट करेंगे, जिससे मैं जानने का भी प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी 5-6 महीने के बाद अभी क्लास स्टार्ट हुई है, तो मैं खुद जानना चाहता हूं कि बच्चों का कौन सा टॉपिक वीक है। वैसे हमारे समझ से अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अच्छी कमेंट बना लीजिए,
तो अंग्रेजी में समस्या कहीं से भी नहीं आएगी, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका मजबूत है। तो समझ जाइए कि और कोई भी सेक्शन आप बहुत कम टाइम में सीख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं हमारे क्लास में क्या है कि आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप किसी किताब से भी मैच कर सकते हैं, कि मैं जरूरत से ज्यादा खुद शब्दों को लिखाता हूँ। मेरा इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि कोई किताब आप पढ़िए तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए कि किताब से ज्यादा आपको पता है। लेकिन ये मेरा प्रयास रहता है जो एग्जाम में आ चुका है उसको जरूर शामिल करता हूँ। तो चलिए देखते हैं और कुछ कलेक्टिव नाउन को जो समूह दिखाता है। तो देखिए नंबर 13, अ ग्रुप ऑफ फिश, मछली का समूह। केवल मछली के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं? केवल मछली के समूह को एक शब्द में कहते हैं अंग्रेजी में सोल, SHOAL। तो ऐसा समूह जिसमें केवल मछली हो, तो केवल एक, जब जहां पर एक से ज्यादा मछलियां हो एक साथ, तो केवल मछलियों के समूह को एक शब्द में क्या नाम देते हैं? सोल। देखिए नंबर 14, अ ग्रुप ऑफ फेल्स। देखिए जब बड़ी मछली व्हेल, डॉल्फिन के लिए भी शब्द का प्रयोग होता है, व्हेल डॉल्फिन। केवल अगर एग्जाम में केवल इतना आ जाए केवल मछली का समूह पूछा जाए, अ ग्रुप ऑफ फिश सिर्फ मछली के समूह को क्या कहते हैं? शोल। लेकिन अगर मछली में व्हेल या डॉल्फिन का समूह है तो व्हेल या डॉल्फिन के समूह को स्कूल कहते हैं। वैसे एक स्कूल विद्यालय भी होता है जहां पे बच्चे पढ़ने जाते हैं। और अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में एक से अधिक स्थानों पर प्रयोग होता है। एक स्कूल शब्द का प्रयोग व्हेल या डॉल्फिन के समूह को दिखाने के लिए भी किया जाता है। अगर कहीं पर एक से अधिक व्हेल मछलियां हैं या एक से अधिक डॉल्फिन मछलियां हैं तो उनके समूह को दिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में होता है? स्कूल शब्द का प्रयोग होता है। और केवल पूछा जाए कि कहीं पर केवल मछली का समूह है उसमें नाम ना दिया गया हो तो केवल मछली के समूह को हम क्या कहते हैं? शोल। चलिए और कुछ आसान शब्दों से परिचय कराता हूं जो लगभग कक्षा 1 से 10 तक की किताबों में लिखा है। जैसे आसान शब्दों में 1 से 10 तक की बात करें तो आमी लगभग सभी लोग जान गए। कक्षा 1 से 10 तक की किताबों की बात करें तो लगभग आमी हर किताब में शामिल किया गया। आमी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। वहीं पर जूरी एग्जाम में आ भी चुका है कई बार, ये आपको ध्यान रखना है। जूरी क्या है? अ ग्रुप ऑफ जजेज। कक्षा 1 से 10 तक की लगभग किताबों में शामिल किया गया है जूरी शब्द को, तो इसे आपको ध्यान रखना है। जूरी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ जजेज, न्यायाधीशों का समूह, जहां पर एक से अधिक न्यायाधीश इकट्ठा होते हैं उनके समूह को हम क्या नाम देते हैं? जूरी। इसके बाद फ्लीट भी आपको ध्यान रखना है, कक्षा 10 किताबों में रखा गया फ्लीट शब्द। फ्लीट क्या होता है? ग्रुप ऑफ शिप्स, नौका का समूह। एक से अधिक जब नावें एक जगह इकट्ठा होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? फ्लीट। वहीं पर क्रू शब्द भी दिया गया है 9 to 12 की किताबों में, तो अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, मछुआरों के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं? क्रू। बाकी कुछ एडवांस लेवल पे भी मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे किताब से बाहर भी आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार आप लोग कमेंट करिए कि कुछ बातें समझ में आ रही कि नहीं। एक शब्द और ध्यान रखिएगा, जैसे टीम शब्द भी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो टीम क्या है? अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह। खिलाड़ियों के समूह को क्या कहते हैं? टीम। वहीं पर एक शब्द और है जो कक्षा 1 से 10 तक की किताबों में अक्सर देखने को मिलता है, अ ग्रुप ऑफ बुक्स, किताबों का समूह। अगर मान लीजिए एक ऐसा समूह जिसमें किताबें केवल हैं तो किताबों के समूह को एक शब्द में अंग्रेजी में क्या नाम दिया जाता है? लाइब्रेरी। किताबों के समूह को हम क्या नाम देते हैं? लाइब्रेरी। तो अब आप लोग कमेंट करिए कुछ बातें समझ में आई। वैसे मैं कम से कम 25 से 30 महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा करूंगा, अभी केवल 15 शब्द आपके सामने। वैसे तो हमें सबसे ज्यादा कलेक्टिव नाउन याद है, लेकिन अगर
सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट में 25-30 शब्द ऐसे हैं, अगर आप उनको तैयार रखेंगे तो प्रॉब्लम तो नहीं होने की संभावना कहीं से भी है। तो मिनिमम मैं 30 शब्दों से परिचय कराऊंगा, ज्यादा तो चाहे जितना करा सकता हूं, लेकिन कम से कम आपको जो 30 शब्द से परिचय कराऊंगा वो आपको जानना जरूरी है। और इसके पहले वाले क्लास में भी मैं चित्रों के माध्यम से आपको दिखा चुका हूं, तो वो भी कलेक्टिव नाउन को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग कमेंट करिए कि कुछ कलेक्टिव नाउन समझ में आ रहा कि नहीं, कि कलेक्टिव नाउन क्या चीज है और कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अगर ना समझ में आया हो तो आप बताइए तुरंत, क्योंकि एक ही टॉपिक को मैं कई एंगल से आपको समझा सकता हूं, हमारा उद्देश्य आना चाहिए। तो देखते हैं, अर्पिता दुबे सर प्रणाम, खुश रहिए अर्पिता जी। इसके बाद ज्योति मिश्रा भी जुड़ गई, नाइस क्लास, वेरी गुड। इसके बाद चंदन तिवारी, गुरुजी प्रणाम, खुश रहिए चंदन जी। सीमा उपाध्याय, सर जी थोड़ा कम समझ में आ रहा, अच्छा ठीक है सीमा जी, मैं बहुत धीमे अभी समझा रहा हूँ, मैं यही चाह रहा हूँ कि कम आ रहा तो अभी मैं देख आपको बताने का प्रयास करूंगा, देखिएगा अभी आ जाएगा आपको। अच्छा आपकी राइटिंग ओके, मैं राइटिंग और क्लियर लिखूंगा। इसके बाद कमलेश प्रजापति, आदरणीय महोदय आपकी प्रशंसा में शब्द कम है मेरे पास, आपकी टीचिंग अद्वितीय है, बहुत थैंक यू कमलेश जी आपको। वैसे हमें वही समझ सकते हैं जो खुद उस योग्य होते हैं, क्योंकि अगर आप लोग एक बार मेरे साथ वर्क करके देखिए, मैं बहुत ज्यादा वादा तो नहीं करता, सिर्फ एक महीना पढ़ के देखिए, इसके बाद आप कहीं से भी तुलना कर लीजिए, किसी भी किताब को पढ़ लीजिए या कोचिंग से, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या पढ़ाता हूं। वैसे हमें बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे जो जुड़ते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो सुधार आ ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। केवल आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी इन्फॉर्म करिए, और जो चीजें आपको ना समझ में आए उसे खुल के कमेंट करिए। मुझे अपना बुराई सुनना पसंद है, मत सोचिएगा कि आप लोग कहीं गलत कमेंट कर देंगे तो मैं गुस्से में आ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने टीचिंग के विषय में जानना खुद चाहता हूं कि कमी क्या है, इसलिए अगर आपको जो नहीं समझ में आएगा आप खुल के कमेंट करिए, मैं जरूर इंप्रूव करने का प्रयास करूंगा। देखिए इसके बाद खुशबू शुक्ला जी भी जुड़ गई हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग खुशबू। इसके बाद मेरी फर्स्ट क्लास है, तो अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो आप बताइए आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, टॉपिक क्या चल रहा है। अभी देखिए अभी ये तीसरा लेक्चर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन में हम लोग कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो कलेक्टिव नाउन के विषय में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो शब्द समूह दिखाता है, जिस शब्द से समूह का बोध होता है उस शब्द को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अच्छा हमें लगता है कि कुछ बच्चे अभी भी समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो चलिए और धीमे धीमे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जितने शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं उस शब्दों को एक दो बार देखकर आप लोग पहचानने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अंग्रेजी में क्या होता है कि अंग्रेजी में प्रश्न भी रहता है उत्तर भी रहता है, केवल जरूरत आपको पहचानने की होती है। तो चलिए अधिक से अधिक शब्दों को से पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। नंबर 15, 16, अ ग्रुप ऑफ worshippers, देखिए वर्शिपर्स मतलब होता है पुजारी, वर्शिपर का मतलब होता है पुजारी। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, अ ग्रुप मतलब एक समूह ऑफ वर्शिपर्स माने पुजारियों का, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ऐसा स्थान ऐसा समूह जिसमें केवल पुजारी हो, तो केवल पुजारियों के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं, केवल पुजारियों के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं। देखिए केवल पुजारियों के समूह को एक शब्द में क्या नाम दिया जाता है, कांग्रेगेशन, कांग्रेगेशन, कांग्रेगेशन का अर्थ होता पुजारियों का समूह। एक मिनट,
अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। थोड़ा सा साफ लिखना जरूरी है जिससे बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं। वैसे मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको दिखे साफ और बोल भी रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा प्रयास करिए। अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, वर्शिपर मतलब होता पुजारी। एक ऐसा स्थान जहां पर एक से अधिक पुजारी अगर इकट्ठा है तो केवल पुजारियों के समूह को एक शब्द में, अंग्रेजी में आपको बताना है कि केवल पुजारियों के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं। तो केवल पुजारियों के समूह को एक शब्द में क्या नाम देते हैं? कांग्रेगेशन। केवल पुजारियों के समूह को एक शब्द में हम क्या नाम देते हैं? कांग्रेगेशन। पुजारियों के समूह को एक शब्द में क्या नाम दिया जा रहा है? कांग्रेगेशन। इसके बाद देखिए नंबर 17, अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस मतलब होता संगीतज्ञ। म्यूजिशियंस का मतलब होता है संगीतज्ञ। संगीतज्ञ मतलब होता है कि जहां पर वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए जब वाद्य यंत्र बजाते हुए जब गाना गाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? संगीतज्ञ। तो अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, संगीतज्ञों का समूह, ऐसा समूह जिसमें एक से ज्यादा संगीतज्ञ कहीं पर एक जगह इकट्ठा है। तो केवल संगीतज्ञों के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो केवल संगीतज्ञों के समूह को एक शब्द में क्या कहा जाता है? बैंड, बी ए एन डी। इसके बाद देखिए नंबर 18, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। वैसे आप लोग ये देखे होंगे कि जो आकाश में आप कभी देखिए तो आकाश में रात के समय देखने पर एक तारा तो नहीं दिखाई देता, एक से अधिक तारे दिखाई देते हैं। तो जहां पर एक से अधिक तारे हो तो अ ग्रुप मतलब एक समूह, आप स्टार्स मतलब तारों का एक समूह। इसका मतलब यह हुआ कि जब एक से अधिक तारा एक समूह में हो तो तारों के समूह को एक शब्द में अगर आपको बताना हो तो आप एक शब्द में क्या बताएंगे? तो तारों के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन। तारों के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन या गैलेक्सी, कॉन्स्टेलेशन या गैलेक्सी। तो अगर एग्जाम में आपके आ जाए कि कॉन्स्टेलेशन क्या है या गैलेक्सी क्या है, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है या फिर कलेक्टिव नाउन है, तो कॉन्स्टेलेशन क्या दिखा रहा है? तारों का समूह। गैलेक्सी क्या दिखाया? तारों का समूह। तो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को एक शब्द में क्या नाम देते हैं? कॉन्स्टेलेशन। तो कॉन्स्टेलेशन शब्द क्या दिखाया? कि तारों का एक समूह है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आप लोगों के आ रहा होगा। वैसे देखिए नंबर 19, अ ग्रुप ऑफ कीज, अ ग्रुप ऑफ कीज या फिर ग्रेप्स, अंगूर का समूह। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा समूह जिसमें केवल अंगूर के दानों का एक समूह या चाभियों का समूह, तो केवल चाभियों के समूह को या अंगूर के दाने के समूह को एक शब्द में हम क्या नाम देते हैं? बंच। एक शब्द में हम क्या नाम देते हैं? बंच, बी यू एन सी एच। इसके बाद देखिए नंबर 20, अ ग्रुप ऑफ पपीज, अ ग्रुप ऑफ पपीज। पपी मतलब होता कुत्ते के बच्चे। ये जो कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पपी कहा जाता है, पी यू पी पी वाई। तो अ ग्रुप ऑफ पपीज, कुत्ते के बच्चों का समूह। ये कहने का सेंस ये हुआ कि एक ऐसा समूह जिसमें केवल कुत्ते के बच्चे हों, तो केवल कुत्ते के बच्चों के समूह को एक शब्द में हम क्या नाम देते हैं?
कुत्ते के बच्चे के समूह को एक शब्द में क्या कहा जाता है? लिटर, L I T T E R. 21, a group of laughters. देखिए, एक ऐसा समूह जिसमें केवल हंसने वाले लोग हो, तो केवल लाफ्टर्स के समूह को कहने का मतलब कि एक ऐसा समूह हो जिसमें केवल हंसने वाले लोग हो, तो केवल लाफ्टर्स के समूह को क्या कहा जाता है एक शब्द में? पील, पीई ए एल. तो आप लोग कमेंट करिए कि कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं. अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपको समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं. देखिए सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. दीपशिखा तिवारी, थैंक यू आपको. इसके बाद देखिए, स्वाति केसरी भी जी भी जुड़ चुकी हैं. लेकिन आप लोग प्रयास करिए, अपने ग्रुप में भी शेयर करिए, अपने मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास करिए. क्योंकि अभी भी जो पुराने बच्चे हैं, बहुत पुराने बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं चल पा रहा है. देखिए, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन पर, कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है. तो कलेक्टिव नाउन क्या है? जो शब्द समूह दिखाए, जैसे मान लीजिए, आपको एक बार दोबारा बता रहा हूं नए शब्दों को लेकर. जैसे अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ थीफ. जैसे थीप मतलब क्या होता है? थीप मतलब होता है चोर. अब देखिए, या ग्रुप ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स मतलब क्या होता है? डकैत. या अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स, मर्डरर्स मतलब क्या होता है? हत्यारे. देखिए, कुल मिलाकर जितना गैर सामाजिक काम करते हैं समाज, जिन कार्यों को गलत मानता है समाज में, जो कार्य गलत माना जाता है, उस कार्यों को करने वाले अगर लोगों का जो समूह है, उस समूह को हम क्या नाम एक शब्द में देते हैं? जैसे मान लीजिए ग्रुप ऑफ थीप्स. अगर मान लीजिए केवल हम चोर कहें तो चोर कौन सा नाउन हुआ? अगर मान लीजिए केवल हम चोर कहते हैं तो चोर हमारा कौन सा नाउन होता है? आपका ये जो थीप शब्द है कॉमन नाउन होगा, क्योंकि चोर कहने पर एक वर्ग का बोध हो रहा है. इस संसार में बहुत सारे चोर हो सकते हैं. लेकिन अगर एक ऐसा स्थान जहां पर एक से अधिक चोर एक जगह इकट्ठा, एक ऐसा स्थान जिसमें एक से ज्यादा डकैत इकट्ठा हो, एक ऐसा स्थान जहां पर एक से ज्यादा हत्यारे इकट्ठा हो, कुल मिलाकर कोई भी गैर सामाजिक काम करने वाले, कोई ऐसा स्थान जहां पर गैर सामाजिक काम करने वाले जब एक से ज्यादा इकट्ठा हो, तो ऐसे लोगों के समूह को एक शब्द में हम क्या नाम देते हैं? गैंग, जी ए एन जी, गैंग. तो गैंग क्या दिखाया? समूह को दिखाया. गैंग शब्द क्या दिखाया? समूह को दिखाया. और किस प्रकार के लोगों के समूह को दिखाया? असामाजिक, असामाजिक कार्य करने वाले लोगों को समूह को दिखाया, कि समाज में जिन कार्यों को गलत माना जाता है, ऐसे कार्य करने वाले लोगों के समूह को हम क्या नाम देते हैं? गैंग. वहीं पर देखिए, अगर कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों पर हम चर्चा करें, जैसे मान लीजिए कि कमेटी, वहीं पर जैसे हम बात करते हैं फैमिली, जैसे हम बात करते हैं मॉब, जैसे हम बात करते हैं क्राउड, जैसे बात करते हैं रस, जैसे बात करते हैं पार्लियामेंट, जैसे हम बात करते हैं नेशन. अब देखिए, एक एक चीजों को समझते हैं, एक शब्द क्या दिखा रहे हैं. देखिए,
वैसे अगर अंग्रेजी में देखे तो क्राउड, अगर अंग्रेजी में हम देखते हैं तो आपका मॉब, क्राउड और रस, इन तीनों की हिंदी होती है भीड़। अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो मॉब, क्राउड और सॉरी अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो मॉब, क्राउड और रस, इन तीनों का एक हिंदी होता है भीड़। लेकिन अगर इनका प्रयोग देखे तो तीनों शब्द अलग अलग जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, तीनों शब्द में अंतर है। लेकिन ये बताइए, पहले सीधे अर्थ समझिए कि क्या भीड़ कहने पर एक व्यक्ति का बोध होता है? भीड़ किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है। तो जब ये कहीं पर एक से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा होते हैं तब भीड़ होती है। तो कुल मिलाकर के जब कोई ऐसा शब्द हो जिस शब्द में एक से ज्यादा संख्या छिपी हो, कोई ऐसा शब्द जिसमें एक से ज्यादा संख्या छिपी हो, तो ऐसे शब्द को हम क्या नाम देते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हमेशा संख्या एक से ज्यादा छिपी होती है। तो देखिए, जैसे मॉब किसे कहते हैं? मॉब मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वायलेंट पीपल। मॉब का प्रयोग कहां होता है? अ ग्रुप ऑफ वायलेंट पीपल, हिंसात्मक लोगों का समूह। कोई ऐसा समूह जिसमें कहीं पर लोग हिंसा करने गए, जैसे मान लीजिए कहीं पर प्रदर्शन करने एक से अधिक लोग गए, कहीं पर धरना देने एक से अधिक लोग गए, कहीं पर किसी के विरोध में आंदोलन करने एक से अधिक लोग गए। तो जब हिंसात्मक लोगों का समूह कहीं पर इकट्ठा होता है, अ ग्रुप ऑफ वायलेंट पीपल, तब ऐसे समूह को हम नाम क्या देते हैं? मॉब, भीड़। वहीं पर अगर केवल ये क्वेश्चन होगा ग्रुप ऑफ पीपल, केवल लोगों का समूह, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई प्रदर्शनी देखने लोग गए हैं, कहीं क्रिकेट मैच देखने लोग गए हैं, तो कहीं पर जब जहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं केवल लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? क्राउड। वहीं पर अगर हिंसात्मक लोगों के समूह को क्या नाम देते हैं? मॉब। लेकिन अगर किसी किसी स्थान पर कहीं पर किसी एक तरफ और तीव्र गति से लोग इकट्ठा हो गए हो, एक तरफ गति करते हुए, जैसे किसी एक दिशा में क्विक मूवमेंट ऑफ पीपल टूवर्ड्स अ डायरेक्शन, अ क्विक मूवमेंट ऑफ पीपल टूवर्ड्स अ डायरेक्शन, किसी एक दिशा की तरफ जब बहुत तेजी से लोग मूवमेंट करें काफी संख्या में, अ क्विक मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का एक तेज गति, मूवमेंट मतलब गति, तो बहुत तेजी से काफी संख्या में लोग किसी एक दिशा में जब गति कर रहे हो, तो ऐसे भीड़ को हम नाम क्या देते हैं? रस। तो अंग्रेजी में भीड़ के लिए तीन शब्द का प्रयोग होता है और तीनों शब्द कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि तीनों में किस क्या दिखाया जा रहा? समूह। लेकिन अगर जल तेजी से और किसी दिशा की तरफ गति करने वाले लोगों का जो भीड़ इकट्ठा समूह होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? रस। और कहीं पर कोई कार्यक्रम, प्रदर्शनी, खेल इत्यादि देखने वाले लोगों का जो समूह इकट्ठा हो जाता है, ऐसे समूह को हम क्या नाम देते हैं? क्राउड। वहीं पर हिंसात्मक लोगों का समूह कहीं पर इकट्ठा होता है तो ऐसे समूह को हम क्या नाम देते हैं? मॉब। ये तीनों कलेक्टिव नाउन है क्योंकि यहां पर एक से अधिक लोगों के समूह को दिखाता है। वहीं पर अगर मान लीजिए हम केवल परिवार कहते हैं तो केवल परिवार कहने पर एक व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है। परिवार किसे कहते हैं? कि एक घर में रहने वाले और एक दूसरे से संबंधित लोगों का जो समूह होता है, एक दूसरे से संबंध रखने वाले लोगों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? फैमिली। तो फैमिली भी आपका क्या दिखाया? समूह दिखाया। कमिटी, कमिटी का अर्थ क्या होता है? समिति। समिति क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई ऐसा स्थान जहां पे कोई कार्यक्रम किया आयोजित होने वाला है, तो किसी कार्यक्रम को आयोजित जितने लोग मिलके कराते हैं उन लोगों को हम सदस्य, मेंबर कहते हैं। कोई कार्यक्रम कहीं पर आयोजित जब किया जाता है तो कई लोग मिल करके कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो जितने लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं उनको हम सदस्य कहते हैं। और कोई ऐसा स्थान जहां पर सदस्यों का समूह, जब एक से अधिक सदस्य कहीं पर इकट्ठा हो तो सदस्यों के समूह को एक शब्द में क्या कहते हैं? कमेटी। तो आज कुछ कलेक्टिव नाउन के शब्दों से परिचय में कराने का प्रयास किया हूं। हालांकि अभी और कुछ
प्रयास करूंगा, क्योंकि जब तक अधिक से अधिक बच्चे नहीं जुड़ जाते हैं तब तक जितने बच्चे जुड़ेंगे उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक दिन आप लोग समय पर जुड़िए, 3 बजे हमारे क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिए और प्रत्येक दिन नए नए शब्दों को सीखिए और स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आप लोग एक एक कहने का संशय है कि अगर मान लीजिए कि नाउन पर जल्दबाजी ना करके अगर आप बढ़िया से केवल नाउन सीख लेंगे तो नाउन सीखने पर आगे जो बचा पार्ट ऑफ स्पीच है वो बहुत कम टाइम में आप सीख लेंगे, क्योंकि नाउन अगर अच्छा आ जाएगा तो आपका प्रोनाउन अच्छा आ जाएगा, एडजेक्टिव अच्छा आ जाएगा, प्रीपोजिशन समझ में आ जाएगा। तो अंग्रेजी में क्या होता है कि हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शुरू में आप अगर देखिए तो हर काज शुरू में अगर जितना धीमा होता है उतना समझिए कि आगे अच्छा होता है। और अगर शुरू में ही स्पीड अगर बना देंगे, शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा तो बाद में चाहे जितना अच्छा पढ़ाऊंगा आपको नहीं समझ में आएगा। यही कारण है कि नाउन एंड इट्स टाइप, संज्ञा और इसके प्रकार को मैं चाहता हूं एकदम अच्छे से आ जाए, जिससे आपको समझने में ना प्रॉब्लम हो। और कोई भी वीडियो आप कम से कम 2 बार देखा करिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वैसे कल पूरा कोशिश करूंगा कि कल नाउन पूरा समाप्त भी होगा, कल 5 नाउन पे क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा। और आज आप लोग रिवाइज भी कर लीजिएगा प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव पर। आज तक 3 क्लासेज में अभी तक जो चीजें आपको नहीं समझ में आई होंगी उस पर आप लोग कल कमेंट भी करिएगा, क्योंकि मैं एक टॉपिक को कई ढंग से समझा सकता हूँ। इसलिए आप लोग पहले कमेंट करिए क्या आपको नहीं आया, तो मैं कल रिवाइज संक्षिप्त में 1-2 मिनट में आपको समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक्स टू एवरीवन।